विज्ञान चिकित्सा साथ कला आदि विद्याओं का ज्ञान भी दिया जाता था। साथियों, उसके बाद की स्थिति आप सभी जानते हैं, किस प्रकार से इस देश में शैक्षणिक गुलामी की एक लंबी श्रृंखला प्रारंभ हुई। आप लोगों ने मैकाले का नाम सुना होगा। मैकाले एक ब्रिटिश अधिकारी था जिसको ब्रिटेन से भारत इसलिए भेजा गया था ताकि वह भारतीयों को मानसिक रूप से वह गुलाम बनाया जा सके। आप कल्पना करके देखिए कि जिस भारत ने दुनिया को वेद जैसे उत्कृष्ट साहित्य दिए, मानव जीवन के गहन दर्शन पर आधारित श्रीमद् भागवत गीता और उपनिषद दिए, जिस भारतीय संस्कृत ने दुनिया को चिकित्सा विज्ञान से संबंधित चरक संहिता और सुश्रुत संहिता दिया, और जिस संस्कृति ने दुनिया को भास्कराचार्य और आर्यभट्ट जैसे संगीतज्ञ दिए, उस संस्कृति था वहां के साहित्य के बारे में मैकाले ने एक बार टिप्पणी की थी कि यूरोप की लाइब्रेरी की एक अलमारी भारत के पूरे साहित्य संग्रह से भी श्रेष्ठ है। यह बात मैकाले ने कही थी। उसके बाद एक रणनीतिक तरीके से मैकाले ने हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था का गला घोटकर एक ऐसी शिक्षा प्रणाली उसने विकसित की थी कि उसने हमारी गुरुकुल व्यवस्था को लगभग समाप्त के कगार तक पहुंचा दिया। उस दौर में भी ऐसी शैक्षणिक प्रणाली विकसित हुई जिसमें हमारे युवाओं को ऐसी शिक्षा प्रदान की गई जो इस देश की सांस्कृतिक भावना के अनुकूल नहीं थी। जदि आपंक आम भिड्टे भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।